तो रामराम जी, आज मैं आया था मोटर रिंग 65 पे बाहर से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पहले थार मेरी पीछे खड़ी हुई है, तो उसमें काम क्या क्या होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट फिर भी एक आप लोगों की नॉलेज के लिए ये देख सकते हो जहाँ पे आपको ये बोर्ड मिले मैं वहाँ पे हाल फिलहाल आया हूँ, जिसकी आपको लोकेशन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए एक बार अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी गाड़ी में क्या होने वाला है। देखिए बेसिकली ना अभी अपनी गाड़ी का आपको गाड़ी रैप करानी है, डिटेलिंग करानी है, पेंट से रिलेटेड कोई काम कराना है, कस्टम पेंट कराना है गाड़ियों को, अलाइंस पेंट कराने, कोई भी मैकेनिकल सर्विस लेनी हो, जैसे पीरियोडिक सर्विस हो, सस्पेंशन में आवाज वगैरह हो, कुछ भी काम कराना हो आपको, आप मोटिव से देखो यार। सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी कि मान लीजिए आप लोग आते हैं रैप के लिए और आपका सडन मन करता है कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स भी पेंट कराने, तो पीछे पेंट बूथ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ सपोज भाई आपकी गाड़ी आ रही है एक्सीडेंट जैसे हो रखा है, कुछ इसके अंदर मैकेनिकल वर्क आ गया, तो प्रॉपर उसके लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे स्पेस दी गई है, वो मैं क्या करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पीछे के साथ हर्षी भी, हर्षी कैसे हो? और भी कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल, जैसा कि आपने पेंट के बारे में बात करी है, अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपने कहीं से पेंट करवाई है राइट? जी हाँ कराई थी। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जहाँ से भी आपने ये पेंट करवाई ना, वो जो बॉटल स्प्रे आता ना, ये वो वाला पेंट है। अच्छा, बॉटल स्प्रे मार रखा है। हाँ जी, ना ही तो नीचे प्राइमर लगाएगा प्रॉपर, जिससे कि ये पतली बन के उतर रहा है पूरा। अच्छा, चिप ऑफ होने लग रहा है। हाँ जी, पूरा चिप ऑफ हो रहा है। और अभी पूरा अभी ग्लाइडिंग जो प्रोसेस है वो बिलाल भाई हमारे बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरी गाड़ी को डिसमेंटल करेंगे, क्या क्या इसमें पेंट होने वाला है। पेंट होने के बाद फिर एक बार फाइनल होगा, आप देखना आपके ट्रिम्स, आपके बम्पर, डोर हैंडल से पर बिलाल भाई इवन जो डोर हैंडल दिखा दीजिए उसमें क्या कमी थी। मैं वही देख रहा था गाड़ी के डोर हैंडल्स, मैंने जब देखे कि किस तरह पेंट करा हुआ है, ये जो स्प्रे बोतल से पेंट होता है ना, आप साफ देख सकते हैं स्प्रे बोतल का पेंट है, बबल्स वगैरह आए हुए, पिनोल्स वगैरह, रस्ट वगैरह फंसी हुई है, इसी कारण फंसी हुई है क्योंकि प्रॉपर बेस प्रिपेयर नहीं की गई है। पेंट हमेशा करने से पैनल पेंट हमेशा करने से पहले ना, जो पैनल होता है उसकी प्रॉपर बेस प्रिपरेशन होती है, प्राइमर मारा जाता है, जो भी बेस प्रिपरेशन, इसमें कुछ भी नहीं की हुई, नॉर्मल ऐसे ही स्प्रे बोतल से पेंट कर दिया गया है क्लैडिंग्स को ब्लैक करने के लिए। हमारे यहाँ अगर आप कोई भी ट्रिम्स वगैरह थार की क्लैडिंग्स वगैरह पेंट कराते हैं तो प्रॉपर हमारे यहाँ बेस प्रिपरेशन होगी, इसके ऊपर प्राइमर लगेगा, प्रॉपर बेस प्रिपरेशन के बाद ही पेंट बूथ के अंदर पेंट होगा ये, ताकि प्रॉपर फिनिश आ सके। तो हर्ष पे यहाँ पे बिलाल मैंने तो बहुत सारी चीजें मैं बता दी। अब देखिए मेरी गाड़ी के रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें ये पार्ट इसका चेंज हुआ है, कुछ पीछे वाले बचे हुए जो आपने खराब दिखा रखे हैं बिल्कुल खराब होते हैं, बट देखो मेरे को ना चाहिए मेरी गाड़ी की पूरी ब्लैक आउट आए, और इंडिया की फर्स्ट ऐसी गाड़ी बने जो ब्लैक्ड आउट हो एकदम, जिसमें मतलब कुछ भी ना कुछ और गलत हो, ठीक है? वन इन इंडिया कर रहे थे। हाँ, ओनली वन इन इंडिया चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव में इसी स्टोर से हो ये। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे। सबसे पहले जितना भी आपका जो सेल्स पार्ट है, ठीक है, उन सबको हम बिल्कुल पेंट करेंगे प्रॉपर नए सिरे से, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे, जैसे कि अगर आप रस्ट ऑफ हो रहा है तो पूरा पेंट यहाँ से, तो ये भी पेंट किए जाएंगे। जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये व्हाइटनेस आ रही है, जिससे कि गाड़ी के अंदर पूरा ब्लैकनेस अगर पूरा करना है तो अपने हर एक पार्ट को कवर करना पड़ेगा। जितना भी आपका बम्पर, टैग का बम्पर हो गया, और कुछ जगह पे आपका पेंट मैंने पीछे डिग्गी में देखा था, उसको पहले हम दिखा देते हैं। और सबसे पहले उसको हम रिपेयर करेंगे। ये वाला सेक्शन है, ये पूरा ये पुट्टी लगी हुई है नीचे, आई थिंक पहले कभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, ये पूरा डेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये कवर अप हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, पहले पूरा कंप्लीट इसको हम इसको डीफिनिश करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग प्रॉपर खिल गया है। अब जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो ये भी पेंट चिप ऑफ हो रहा है, तो ये पूरा ब्लैक होगा आपका, जितना भी ट्रिम पार्ट है, इवन आपकी लाइट्स का जो ट्रिम पार्ट था बैक का बेस, वो भी हम पूरा ब्लैक करेंगे, तो पूरा गाड़ी ब्लैक मैच करेगा, तभी वन इन इंडिया लगेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ काम लिमिटेड नहीं है कि जो ऊपर ऊपर से मेकअप करा जाए, यहाँ पे अंदर घुस के एकदम, और जितनी भी हमारी छोटी से लेके बड़ी जितनी भी खामियां हैं उन सबको सही करा जाए ना। सबसे मेन बात, हम पेंट रोड साइड ऐसा कभी भी नहीं करते। बिल्कुल, एक बार मैं आपको पूरी टूर करवाता हूँ, पूरा प्रॉपर हमारे पास पेंट बूथ और क्या क्या हमारे पास टूल्स है, ठीक है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वैसे एक बार बिलाल जी, जैसे अभी हस्बैंड ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि रोड साइड भी होता है प्रॉपर पेंट बूथ है, तो रोड साइड मेरे को बताइए, जैसे ये पेंट रोड साइड होता है मेरे हिसाब से ना। सर, ये रोड साइड इसलिए आप इस पेंट की ना फिनिशिंग देखिए, ये भी हो गया, इसमें भी दिखने लग रहा है, जो आई हुई है ना। हाँ, ये सिर्फ इसी कारण से आई हुई है क्योंकि वहाँ पर सेफ एरिया नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। नहीं, हमारे पास जो प्रॉपर पेंट बूथ है, ठीक है, वहाँ पर नहीं आपको डस्ट का इशू आने वाला पेंट के ऊपर, ना ही क्या कहते हैं जिसे पेंट चिपअप वगैरह हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुआ। हमारे पास पेंट बूथ इसीलिए है ताकि पेंट प्रॉपर तरीके से ड्राई हो पाए और पैनल्स के ऊपर पेंट ना बिल्कुल स्टेबल होकर। उसके पीछे ना एक प्रोसेस
इन्वॉल्व होता है वो हम लोग आपको सिनेमैटिक शॉट्स में समझाएंगे सारा का सारा जैसे होगा। आपने एक इशू मुझे आधी बताया कि ये बहुत जल्दी वाइट होता है आपका, हम जो ये वाला पार्ट भी है इवन कपल्स को भी हम पूरा पेंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि छोटे से लेके बड़े तक सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बोतल वाला स्प्रे पेंट मारा। तो आइए एक बार पीछे हम लोग आपको टूर करा देते हैं अपनी जो प्रॉपर पेंट बूथ है। तो गाइस अब एक बार आप देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, जो अपना प्रॉपर पूरा पीपीएफ का लगा लीजिए, डिटेलिंग का सेंटर लगा लीजिए, तो उस तरफ वो प्रॉपर कर रखा है एंड उसमें भी ध्यान दे रखा है कि प्रॉपर कांच वांच लगा के सो दैट एक ओपन पीपीएफ में तो मेन के अंदर डस्ट ना आए, उसी का पूरा ध्यान दिया है। आप देखेंगे तो ग्लास पूरी वॉल बनाई हुई है, सामने उधर भी पूरा ग्लास का वॉल बना है। तो क्या जबरदस्त क्लीनिनेस से लेकर हर एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। एनीवेज अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पीछे ही सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, देखो पूरी गाड़ी एकदम पूरी खुली हुई है, जो क्रेटा है मेरे। हाँ जी, हाँ जी, ये क्रेटा है, ये भी हम लोगों ने फुल बॉडी पेंट की है। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी गाड़ी पेंट वगैरह होती है वो ऐसा नहीं होता कि पैनल्स हमने लगे लगे के अंदर पेंट मार दिया, उसके अंदर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो हम लोग जो भी फुल बॉडी पेंट करते हैं उसके सारे पैनल्स को डिसमेंटल करते हैं, देन प्रॉपर बेस प्रिपरेशन होती है। देखिए मैं आपको दिखाते हैं एक मिनट, बेस हमारे यहाँ कितने स्टेप्स होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सैंपल पैनल है पेंट से रिगार्डिंग। जब भी गाड़ी कोई भी कोलिजन वगैरह होता है गाड़ी के पैनल के ऊपर, प्रॉपर हमारे यहाँ गाड़ी के पैनल को डेंटिंग कर कर पेंट स्क्रैप किया जाता है। देन इसके बाद अपना बॉडी फिलर, पॉलिस्टर पुट्टी, प्राइमर, चेक पुट्टी लगने के बाद पेंट अप्लाई किया जाता है पेंट बूथ के अंदर। पेंट बूथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद क्लियर कोट लगता है, देन गाड़ी क्या कहते हैं डिटेलिंग वे में जाती है, डिटेलिंग होने। तो गाइस आइए अब हम आपको दिखाते हैं डिटेलिंग, आप लोगों ने देख लिया उधर पार्ट, अब चलते हैं प्रॉपर पेंट बूथ पे। तो बिना भी चलते तो वीडियो बना दीजिए, पेंट बूथ के एक्चुअल बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पेंट बूथ का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है सेफर एनवायरनमेंट। सेफर एनवायरनमेंट के अंदर जब पेंट होता है ना गाड़ी के ऊपर, तो वो लॉन्ग टर्म तक लॉन्गिटिविटी रहती है पेंट के ऊपर, और क्या कहते हैं पेंट्स के अंदर कंप्लेंट नहीं आती। जैसे आपने बे के थार देखी, थार की ग्लेडिंग्स वगैरह, हैंडल्स वगैरह ब्लैक पेंट हुए थे, उसके ऊपर आपने देखा होगा पेंट चिप हो रहा था, डस्ट आई हुई थी, तो वो सारी दिक्कतें नहीं आती। पेंट बहुत गंदी क्वालिटी का था, यानी गंदी क्वालिटी का जो पेंट हुआ हुआ है ना वैसा पेंट नहीं होता। पेंट बूथ का बेनिफिट सिर्फ यही होता है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हम कौन सा पेंट करते हैं अब आगे वो दिखाएंगे, रोड साइड पे पेंट भी नहीं करते, तो रोड साइड पेंट क्वालिटी भी यूज नहीं करते। और तीसरी चीज शायद से देखो, वैसे भैया लोग एक्सपर्ट है, बट मेरे को खुद भी जो मैंने समझाया कि पेंट बूथ में क्या रहता है, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी पेंट हो गई है तो उसमें धूप का, बारिश का, इन सब चीजों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, वो तो रहते ही, क्योंकि यहाँ पे अंदर हीटर होते हैं ना, इनको हीटर वगैरह से ड्राई करा जाता है, तो वो इशू नहीं आता कि भैया धूप नहीं है आज आपका पेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें वही चीज, कुछ लोग, कुछ कस्टमर्स का कंसर्न ये रहता है कि मौसम बाहर खराब है तो उस कारण से वो पेंट नहीं करा पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गाड़ी रोड साइड पेंट होगी। पेंट बूथ वगैरह कुछ वर्कशॉप में नहीं होता, ज़्यादातर वर्कशॉपों में पेंट बूथ होते ही नहीं है। हमारे यहाँ पेंट बूथ इसीलिए है ताकि बाहर के एटमोसफेयर से पेंट के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ ही ना। तो गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब अपना पेंट बूथ, ये रहा अंदर आपको दिख रहा होगा। एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी पर्सनली, कि जो देखिए यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है वो ना प्रॉपर पूरा अपना मास्क पहन के और जितने भी ग्लव्स पहन के कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ इनकी हेल्थ का भी ध्यान। तो मैंने खैर फिलहाल भी आप मेरे को स्टेप्स समझाइए, आप यहाँ पे क्या चलता है और क्या क्या चीज़ें लगी हुई सारी, वही बता रहा हूँ। मैंने जैसे आपकी बात करी थी, अभी मैंने क्रेटा दिखाई आपको बाहर, तो क्रेटा के अंदर सारे पैनल्स मैंने आपको बताया था डिसमेंटल होकर ही पेंट होते हैं। अब ये देखिए, ये क्रेटा का बोनट है, ये क्रेटा के मिरर कवर्स हैं, ये फ्यूल टैंक का कवर है, ये इसका एंटीना है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ ना डिसमेंटल होकर ही पेंट होती हैं, वो इसी कारण से होती है ताकि फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग मैटर करती है। टाइम हम कस्टमर से लेते हैं, बेशक रोड साइड से हमारे यहाँ वो लोग दो चार दिन में काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फुल बॉडी पेंट वगैरह होती है तो 10 दिन कम से कम लगते ही है, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि क्वालिटी टेक्स टाइम, क्वालिटी अगर कस्टमर को देनी है तो टाइम तो लगेगा ही, प्रॉपर डिसमेंटल करके किया जाएगा, फिनिशिंग वर्क देना ही। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी का आरसी पे कलर मेंशन है नेपोली ब्लैक, तो क्या अगर मैं बोलूं कि मेरे को नेपोली ब्लैक ही कराना है, वो 100% मैच करता है? बिल्कुल मैच करेगा। मेरे पास ग्लासफ्यूरेट की मशीन लगी हुई है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, ग्लासफ्यूरेट जर्मन में पेंट, जो बीएमडब्ल्यू ओडी मर्स से अप्रूव, और उसका एक डेडिकेट सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर आप टाटा की गाड़ी ले लो, चाहे आप लैम्बोर्गिनी फरारी ले लो, उसके अंदर हर ब्रांड की गाड़ी का, हर मैक की गाड़ी का एक पर्टिकुलर कलर कोड होता है और प्रॉपर फॉर्मुलेशन भी होता है उसके अंदर ना, सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होती है सारी चीज। हम गाड़ी का, गाड़ी के चेसिस नंबर के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, उस कलर कोड को हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो वो हमें पूरा फॉर्मूला निकाल कर दे देगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कलर प्रिपेयर किया जाए। तो मिसमैच होने की
की तो कोई चांस रहता ही नहीं। अच्छा मेरे को एक बता, कई लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि पेंट बूथ के अंदर होता क्या है, तो ये जो चीज नीचे लगी इनको क्या बोलते हैं? ये सारे फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स इसलिए होते हैं सर, जैसा आपने बताया कि रोड साइड पेंट हो रहा है, मैं उसी टॉपिक पर दोबारा आऊंगा। रोड साइड पेंट के अंदर फिल्टर वगैरह तो होते नहीं, डस्ट ऐसी उड़ी होती है, डस्ट चिपक जाता है पेंट के ऊपर। फिल्टर इसलिए है, डेडिकेटेड फिल्टर इसलिए दिए गए ताकि पेंट के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना आए, और ये फिल्टर जो इसके अंदर हवा, जो इसके अंदर एयर फ्लो चलता है ना, वो हीटअप होकर इन फिल्टर के थ्रू क्लीन होकर रहती है ताकि कोई भी पेंट ऊपर डस्ट वगैरह ना मिले। और देखो भाई पूरा एकदम पेंट बूथ लगा यहाँ पे वगैरह। अब एक बार मैं मशीन दिखा, यहाँ पे अपना पेंट बनता है। कम प्लीज कम, कोई नहीं भाई। हमने आपको पेंट बूथ तो दिखा दिया अपना, एंड प्रॉपर समझा भी दिया कि अंदर पेंट बूथ में क्या क्या होता है। मैंने जैसे बताया कि ना यहाँ पे मशीन भी इंस्टॉल्ड है, ये नहीं कि बाहर से पेंट मिक्स हो रहा है, ऐसा कुछ है। प्रॉपर अपनी यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन इंस्टॉल्ड है, जिसमें हर्ज में क्या क्या होता है मेरे को वैसे मतलब लेमन लैंग्वेज में खबर कि एक्चुअल ये मशीन क्या है, डब्बे क्या है। सारी ना मशीन है जो कि अगर आप देखोगे, एक बार इनको ऑन करो, मशीन ऑन करो एक बार। तो भाई ये कौन सी कंपनी रहती है अपनी? ये भैया ग्लासुरिट है, जैसे मेरा ये अपना ग्लासुरिट की मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ। जर्मन मेक पेंट है, जो जैसा कि मैंने आपको, ये देखिए इसके अंदर ना सारे रोटरी वगैरह लगे हुए हैं, मिक्सर मशीन। कोई भी पेंट रखे रखे सूखता नहीं है, ऐसा नहीं कि बाहर पेंट रखे होते हैं मशीन के अलावा। तो पेंट क्या होता है कि पेंट ना स्टेबल हो जाता है, टिंडस वगैरह स्टेबल हो जाता है, लिक्विड उसके ऊपर रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर मशीन है, मिक्सिंग मशीन है सारी कंप्लीट। और ये जो पेंट है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, मर्सिडीज से, ओडी से, बीएमडब्ल्यू से अप्रूव्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ग्लासुरिट कंटिन्यूज टू बी प्रेफर्ड पेंट ब्रांड बाय मर्सिडीज बेंज। ज़्यादा आप देख सकते हो कि भाई जो BMW या फिर हमारी जो मतलब लग्जरी क्लास में पेंट यूज़ होता है, सेम वही पेंट यहाँ पे भी यूज़ होने लग रहा है। एंड मेन बात ये है कि जब जो चीज़ हो रही है वो बता के कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, और देखो यार कॉस्ट में 19-20 का फर्क हो सकता है, बट सर कॉस्ट के अंदर तो आप देखना, कॉस्ट के अंदर 19-20 का फर्क आपको हर जगह मिलेगा जहाँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, जहाँ क्वालिटी मिलेगी exactly. वहाँ आपको थोड़ा सा प्राइस अब भी मिलेगा। बिल्कुल, और मैं वो चीज़ जस्टिफाइड भी मानता हूँ, क्योंकि महंगा रोए एक बात, सस्ता रोए बात, ये वाली चीज़ मिलती है। जैसे कि आपने मैं पूछा कि डेंटिंग ना होती है, वो एरिया मैं आपको दिखाता हूं। डेंटिंग का सेक्शन ना बिल्कुल अलग कर रखा है, जिसमें डस्ट होती है। अगर आप यहां देखिए यार, एक चीज आप लोग समझ रहे हो भाई, मैंने आपको वहां पे दिखाई थी मेरी गाड़ी कि मेरे को उसमें करानी है। इन लोगों के पास पेंट बूथ भी है यहाँ पे, मैकेनिकल हमने दिखाया नहीं, वो बीच में भूल गए। मैकेनिकल भी दिखा देंगे, बट डेंटिंग पेंटिंग भी है। मान लीजिए आपकी गाड़ी डैमेज होकर आ रही है, एक्सीडेंट हो गया उसका, उस चीज की भी कोई चिंता नहीं आपको। अच्छा भैया इंश्योरेंस वगैरह होता है? सब होता है सर, सब होता है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास सारी कंपनी से टाइप है, कैशलेस भी है मेरे यहाँ। मेरा 17 प्लस कंपनी से क्या कहते हैं टाइप है। आपको अगर इंश्योरेंस में क्लेम कराना हो किसी भी गाड़ी पे, एक बार आप कॉन्टेक्ट करें, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी कंपनी ब्रांड मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे यहाँ कैशलेस है या नहीं है। कुछ कंपनी हमारे यहाँ कैशलेस भी है, कुछ कंपनी नॉन कैशलेस, लेकिन हर कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी से हमारे यहाँ क्लेम हो जाता है। नॉन कैशलेस का बता देते हो, रिइंबर्समेंट होती है, एक बार आपको पे करना होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में सारा पैसा है ना। जितने भी मेरे पास जो मैकेनिक्स प्लस जो पेंटर्स हैं, ऑटो एक्सपो में जो पेंट कर वो मेरे पास एम्प्लॉइज हैं। ऐसे नहीं कि रोड साइड से कोई भी आया और यहाँ पे आगे काम करने लग गया, मतलब क्वालिफाइड स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है। और मैं दिखाता हूं अपनी थार है, हल्का पूरा काम चलने लग रहा है यहां पे। मेरी भी पेंट डैमेज हो गई होगी, ये एक्सटर्नल थार है। अच्छा एक्सटर्नल थार है, कस्टमर पेंट के लिए आ रही है। दो पैनल अभी जैसे स्क्रैच भी नहीं है उसने, तो अभी जो क्या कहते हैं बाइक वाले ने हिट कर दी थी गाड़ी को, दैट्स व्हाई वो दोनों बैलेंस, क्योंकि उसे पता था कि हमारे यहाँ सारी चीजें होती है। वो डिटेलिंग के लिए आया था पहले कस्टमर, तो सेरेमिक कोटिंग के लिए आया था, लेकिन जब हमने उसे बताया कि हमारे यहाँ पेंट बूथ है, हमारे यहाँ पेंट वर्क होता है, मैकेनिकल कल इसकी गाड़ी की सर्विस, तो वैसे देखो यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का भी काम होने लग रहा है। अभी बोल रहे थे आप ज्यादा बड़ा स्ट्रेस नहीं था इसके ऊपर, था कार लवर है, बट उन्होंने बोला कि नहीं अगर छोटा सा भी है ना वो चुभता है। वो चीज़ है देखो यार, मैं यही कह रहा हूँ कि क्वालिटी वर्क कराओ, कराओ कहीं पे भी, और जो कार से प्यार करते हो ना मेरी बात से रिलेट कर पा रहा। खैर पीछे इतने सारे बम्पर रखे हैं यहाँ पे, मतलब होती रहती है गाड़ियाँ, नई चीज़ें हैं। एक बार मैकेनिकल और दिखा देते हैं लोगों को कि मान लीजिए गाड़ी की सर्विसिंग करवानी हो या फिर हमें गाड़ी का कुछ और काम कराना हो, तो यहाँ पे आपने थार देखी। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ब्रेजा है, ब्रेजा में यहाँ पे आप देख लीजिए साथ अपना। तो ये क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे डेंटिंग हो रही है, ठीक है, हो देखो ग्रैंडचुलर से इससे ना पीस बिल्कुल सिंपल बिल्कुल प्लेन होता है। पहले इस पे ग्लेंडर मारा जाता है करने के, उसके बाद इसको टच करके डेंटिंग पुश कराए जो कि पीस खराब ना हो। वैसे करते हैं, हाथ से करते हैं तो खराब हो जाता है फूल, इसलिए इस मशीन से डेंटिंग करते हैं जो कि पीस खराब बिल्कुल क्लियर हो, प्रॉपर डेंटिंग। देखा जाए तो प्रॉपर टूल्स हैं हमारे, हर चीज का एक आपको स्पेसिफिक टूल मिलेगा, चाहे वो डेंटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल कोई भी वर्क हो, आपको दिखाऊंगा जी मैं। हर एक चीज का स्पेसिफिक टूल है, सब चीज हमारे स्कूल मिला के टोटल डैमेज गाड़ी से लेके आपका एक अच्छी गाड़ी तक का सफर यहाँ पे पूरा हो सकता है। मैकेनिकल वर्क भी दिखा दूं मैं एक बार फटाफट आपको, जहाँ पे हम सर्विसिंग वगैरह। अभी एक सरप्राइज भी है कुछ दिनों में। अच्छा
हार्ड भी यही क्लोज करेंगे। हाँ बिल्कुल तो कस्टमर से ना कहीं जाने जुड़ गया वो भी और सोल्यूशन अंदर वन रूफ कुछ एक्सक्लूसिव आने वाला है। खैर देखो यहाँ पे जैसे अपनी थार का हो रहा है ना उसी टाइप यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये सेम है जो आपकी थार में अच्छा, ऐसे ही हो रहा है कुछ इसी टाइप का जो है यहाँ पे ये पहला कोट हो गया ना प्राइमर हो गया ना सर जी ये प्राइमर देखो लगा हुआ है साथ साथ वो मिरर्स जो है साइड के अपने वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज तो इसी टाइप का अपनी थार का कुछ होने वाला है सिनेमेटिक शॉट्स के साथ साथ आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। एक बार हर्ष में भी लग रहा है वो दिखा दो मैकेनिकल में भी जितने भी हम यहाँ पे टूल्स यूज कर रहे हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं सभी जेनरल कंपनी से उतरा है। अच्छा ठीक है मतलब ये है कि ओरिजिनल कंपनी वाले हैं जितने भी हैं। तो बिलाल भाई मैकेनिकल वर्क का और बता दीजिए कि क्या क्या होता है यहाँ पे आप डील करते हैं। मैकेनिकल वर्क में अगर आपकी गाड़ी किसी भी लिहाज से बिगड़ी हुई है चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो क्या उसका सस्पेंशन खराब हो क्या उसका ब्रेक में कोई प्रॉब्लम हो आपको पीरियोडिक सर्विस करानी हो हर एक चीज होती है मेरे यहाँ ऑटो ट्यूनिंग वगैरह सब चीजें होती है मेरे यहाँ ना मेरे पास स्ट्रेस टूल है और जो मैं पार्ट्स यूज करता हूँ मैकेनिकल उसको सारे ही क्या कहते हैं ब्रांड अप्रूव होता है ओएम ब्रांड के हम पार्ट्स यूज करते हैं वारंटी कर ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जो डीलरशिप आपको वारंटी दे रही है मेरे यहाँ वो वारंटी ना मिले डीलरशिप जो वारंटी दे रही है वही सेम गाइडलाइंस थी मेरे यहाँ कुल मिला के गाड़ी छोड़ जाओ अपनी उसके बाद सारा का सारा काम जो आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। खैर अब इसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा भैया पहले क्लैडिंग उतरेंगे है ना सारी होंगी उसके बाद उस पर रफ वगैरह माना जाएगा तो वो हम आपको सिनेमेटिक शॉट्स के थ्रू दिखाएंगे और एंजॉय कराएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हम आपको अगेन डिटेलिंग स्टूडियो लल एक बार एड्रेस और बता दो और फोन नंबर बता दो इसी पे चला दूंगा एड्रेस आप थोड़ा सा हल्के में एड्रेस मैं आपको बताता हूं आप गुड़गांव सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क सर्च करना वर्ल्ड मार्क के नियर बाय वर्ल्ड मार्क गेट नंबर 3 से मेरी मुश्किल से मुश्किल वर्कशॉप जो है हमारी वो मुश्किल से मुश्किल 10-20 मीटर की दूरी पर ही होगी गेट नंबर 3 वर्ल्ड मार्क सेक्टर 65 गुड़गांव। अभी हमारा पेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्राइमर। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो प्राइमर का जो बेस है वो बनाएंगे जिससे कि जो अब हमारा जो हम पुट्टी करेंगे या पेंट करेंगे उसका जो हार्डनेस है वो बना रहे कभी भी उसकी पकड़ ना छूटे। कई बार क्या होता है ना विदाउट जो प्राइमर हम जो यूज करते हैं पेंट को अप्लाई कर देते हैं प्राइमर को अप्लाई करने के बिना ही तो वो उसकी पपड़ी बनती है जैसे कि वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था उसकी पपड़ी बन के पेंट की उतर जाती है। अभी ये प्राइमर अप्लाई हो रहा है पूरे पार्ट्स के ऊपर हर एक पार्ट्स के ऊपर इससे क्या पेंट का एडहेसिव बहुत अच्छा बना रहेगा और कभी भी पेंट पपड़ी बनके नहीं उतरेगा कभी भी। तो अभी ये वाले पार्ट्स अभी इनके ऊपर भी प्राइमर का ही पूरा एक कोट अप्लाई होएगा बाकी पार्ट सारे आप देख सकते हैं सभी पूरे पार्ट्स खुल चुके हैं और सारे पेंट बूथ के अंदर हमारे आ चुके हैं जिसपे अब प्राइमर अप्लाई हो रहा है हर किसी के पार्ट के ऊपर। फाइनली आप लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स में एंजॉय करा होगा कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ है। फाइनली हर्ष भैया एंड यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों की मेहनत पूरी दिख रही है मोटरिंग 65 ने। मैं बोलता हूँ इस थार में ना बहुत ज्यादा चीजें आपको यूनिक लगेंगी मैं बताता हूँ कि इस थार में ना आपको बहुत सारी चीजें यूनिक लगेंगी जो कि आज आपको अपने हर्ष भैया बताने वाले हैं कि अपनी जो थार है और देखिए और भी हो सकती है थार बट हमने जितनी कोशिश करी थी एक पूरी ब्लैक आउट बनाने का इसको वो हमने बताया ना। बिल्कुल भैया सबसे पहले थैंक यू। अरे नहीं यार काम देख के ना मेरे को इतना मजा आया देखकर जो देखो ये चीज ना मैं बोल सकता हूँ अपनी गाड़ी वन इन इंडिया है इस वक्त बिल्कुल क्योंकि ना आप मैट के शौकीन हो बिल्कुल हर चीज में मैट आपने करवा रखा है तो वही चीज ध्यान में रखते हुए ना जितने भी इसकी ग्लाइडिंग है बम्पर है आपने जोस बहुत देखे होंगे बहुत सारे बम्पर्स जोस में देखे होंगे बट मैंने पूरा मैट पेंट के साथ मैट क्लियर भी इसके ऊपर लगा हुआ है सब। तो गाइस आप लोगों ने ग्लॉसी क्लियर देखा होगा बट मैट क्लियर कभी नहीं देखा होगा। अब एक बार अच्छी यहाँ से ना थार दिखाओ दूर से और आपको खुद दिखेगा कि डिटेलिंग पे इतना ध्यान दे रखा है कि जो ग्रिल है उसको भी पेंट करी है और देखो यार मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्या चाहिए था कि लाइट पड़े और रिफ्लेक्शन ना आए ज्यादा। खैर पूरे डिटेलिंग स्टूडियो में गाड़ी खड़ी है इतनी ज्यादा मेरी लाइट ठीक ठाक काम करेगी बट फिर भी मेरे को चाहिए रिफ्लेक्शन आए और ऐसा
ऐसा लगे कि हाँ ये यूनिक है और बॉडी का ये पार्ट है ना। अगर हम इसको ग्लॉस करते तो ये रैप से आउट चले जाता, मैट नहीं बैठता तो थोड़ा सा अटपटा लगता, बट हाँ अगर ये बॉडी ग्लॉस में होती तो ये अब आप ऑल इन ब्लैक हो चुकी है पूरी एकदम पूरी ब्लैक आउट है। अगले पार्ट में देखो ये आपको बताता हूँ, मैं बताऊँ क्या क्या पेंट हुआ इसका। एक तो अपना ये ठीक है, इसको पेंट करा है खोल के, पूरा आपको दिख रहा होगा। आपने चीज देखी होगी थार जो होती है उसका थोड़े टाइम के बाद फेड होना स्टार्ट होता है ना, ये चीज जितने भी फाइबर के पार्ट है, तो इसको खोल के पेंट किया गया। उसके बाद डिटेलिंग की तरफ मैं ध्यान बता रहा हूँ आपका, ये वाला जो अपना DRL का पार्ट होता है ना, ये DRL का पार्ट भी जो है इसमें पेंट करा गया है। यहाँ से फ्रंट का जो अपना बंपर है ये देख सकते हो, ये पेंट करा गया है। ग्रिल जो है ये पेंट करी गई है। इसी के साथ इतना नहीं, इस तरफ आ जाओ क्लैडिंग, ये और भाई धूल चिपक रही है, समझ रहे होगी एक्चुअल में काम ऐसा हुआ है कि हाँ, नहीं तो फाइबर पे धूल का चिपकती है जैसे अपना सिंपल रहता है। इसकी जो क्लैडिंग है वो भी आपको दिख रही होगी कि वो भी यहाँ पे अपनी मस्त मैट में करी, और सच में मजा आ गया। इधर और इधर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, अल्टीमेट जो रात को बोले ना वैसे एकदम लगेगा, पता लगेगा नहीं कि रैप कहाँ पे और कहाँ पेंट कहाँ पे। अभी तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ये ग्लॉस है, ये ग्लॉस है, ये वाला पार्ट, ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जिस टाइम रैप कर रहे थे मैं, तो ये वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है, वो दूसरी कहानी है। खैर यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको भी करा गया अपना, ये भी यहाँ पे वाइट हो था। फिर उसके बाद अपने जो है ये वाइपर की है ना, ये भी बहुत पुराने हो गए थे तो इन पे भी मैट करा। कुल मिला के फ्रंट प्रोफाइल पूरी मैट। उसके बाद अपने साइड के शीट मतलब जितनी भी चीजें जो गंदी हो सकती थी या फिर खराब हो सकती थी उन सब पे जो है यहाँ पे मैट पेंट करा गया, जिसकी वजह से उसके बाद अपने जो शीशे हैं ये भी आपको दिख रहे होंगे, शीशे भी जो है अपने पेंट करे गए हैं। और मैं अर्श पूछ रहा था वाइट में वाला इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं है, फुली गारंटी है ठीक है। वो तब आता है ना जब हम इसके ऊपर प्रॉपर प्राइमर और टूटी बल्कि पेंट ना करें, ठीक है। इवन मैंने पेंट के ऊपर मैट क्लियर मारा होगा, अच्छा। सिर्फ अगर पेंट में करता मैट क्लियर नहीं करता तो वो इशू आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैसा कोई इशू नहीं आने वाला है। इसी के साथ साथ साइड के हैंडल जो है वो भी आप लोगों ने पहले कंडीशन में देखेंगे कितने गंदे थे यार, यहाँ से देखो आप समझ में आ रहा है कि मैट के साथ मैट कितना मैट है ना, एकदम पूरा प्रॉपर यहाँ पे जीरो टू 100 नहीं बोलूंगा बट 99.9 आपका मैट हो चुका है। इसी के साथ साथ पीछे वाली क्लैडिंग जो है वो भी अपनी हुई है यहाँ से पेंट, ये देखो आपको दिख रही होगी। अभी नया पेंट है इसलिए मिट्टी अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे बाहर जाएगी तो इससे ज्यादा ही खेगा। अच्छा ये ना इसकी कहानी बताते हैं, ये बताओ ये क्या सीन है। देखिए भैया अगर इस पे मैं अभी पूरा कर देता तो ये टेक्सचर है ना ये लुक खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस पे हमने सेरेमिक करी है, अभी वाइट नहीं पड़ेगा, ठीक। लॉन्ग लाइफ मैं नहीं बोलूंगा, 4-5 मंथ तक आपका ये वाइट नहीं पड़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। आपका ये भी यहाँ से मैच कर रहा है, पीछे का जो बंपर है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो आप, ये भी मैच करने लग रहा है अपने यहाँ से। ये वाला जो पार्ट आता है ये इसमें ग्रे आता है, इसको मतलब कुल मिला के पूरी गाड़ी जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी। अच्छा इसकी मैं आपको कहानी और बताता हूँ, कई लोग जो है ना इसको ग्लॉस में करवा लेते हैं पूरा पेंट पुट्टी करवा के, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत अलग लगती है, मतलब थार जैसी नहीं लगती, फिर वो बुलेरो टाइप लुक्स में आ जाती है, वो थार का जो सिग्नेचर रफ एंड टफ लुक आना चाहिए कुछ भी गाड़ी में छोड़ा नहीं गया, छोटे से लेके बड़ी चीज तक सारी की सारी करी गई है। मोटोरिंग 65 है, नंबर कैसे कांटेक्ट करना और मैं डिस्क्रिप्शन आपको सारा नंबर आपको मिल जाएगा वीडियोस में, ठीक है। बाकी हमारा जो एड्रेस है गुड़गांव सेक्टर 65 मोटोरिंग सिफाई वर्ल्ड मार्केट बिल्कुल साथ, ठीक। ये एड्रेस रहेगा और डिस्क्रिप्शन आपको सारा का सारा मिल जाएगा। टाइम कितना लगा मान के चले कोई भी 3-4 days 3-4 डिपेंड करता है कि काम कितना करना है, काम कितना रिपेयरिंग कितना है वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर गाड़ी में रिपेयरिंग का वर्क होता है, कुछ था जैसे आपकी मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि उसमें कुछ रिपेयरिंग वर्क था, उस वजह से 3-4 दिन का टाइम आप फिर भी मान के चलिए कि मतलब बढ़िया तरीके से अगर आपकी गाड़ी में काम होगा ये चीज है। Hey guys, with this video end करते हैं, रील्स वगैरह में आप और भी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करेंगे। इनका लोग इन भैया लोगों का भी है मोटोरिंग 65 नाम से, मेरा भी है। खैर रील जो है कोलैब में डल जाएगी तो आपको खुद ही जो है देखना। चलिए बाय बाय।